टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सम कर रहे हैं जिसमें एलिवेशन ऑफ लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू एक्स वाई लाइन, पॉइंट ए इज 25 mm अबव एच पी एंड बी इज 10 mm बिहाइंड वी पी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इफ द लाइन ए बी इज 95 mm लॉन्ग एंड पॉइंट बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी विद एच पी एंड वी पी। सो फ्रंट व्यू दिया हुआ है 75, अल्फा 45 डिग्री, ट्रू लेंथ 95, ए डैश 25 mm अबव एक्स वाई लाइन, बी 10 mm अबव एक्स वाई लाइन बिकॉज इट्स बिहाइंड वी पी राइट, एंड बी डैश विल बी बिलो एक्स वाई लाइन बिकॉज पॉइंट बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फिर एक्स वाई बनाएंगे, फिर मार्क करेंगे ए डैश, नाउ वी हैव एंगल, सो दैट एंगल आई विल टेक इट डाउनवर्ड, मैं नीचे की तरफ लूंगा, क्यों? बिकॉज थर्ड एंगल में है ना, पॉइंट बी डैश नीचे है, तो अल्फा नीचे की तरफ जाएगा, उस पर कट करेंगे ट्रू लेंथ तो आएगा बी डैश, सॉरी उस पर फ्रंट व्यू कट करेंगे तो आएगा बी डैश, तो ये हो गया लोकस ऑफ बी डैश, और इसके ऊपर ट्रू लेंथ भी कट कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए डैश बी वन डैश ट्रू लेंथ। ये हो गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉप व्यू बनाना है। तो देखो ये डेटा कुछ काम का नहीं है, बी उसकी जगह पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स से ए 60 mm बिलो एक्स वाला है, तो मैंने अज्यूम किया ए बी वन डैश को ए तक लाया और रोटेट करूंगा और बी डैश से सीधा लाइन लूंगा, जहाँ पे कट होगा वो क्या हो जाएगा बी अजम्पशन वाला। सो ये हो गया टॉप व्यू, अगेन अजम्पशन वाला। अभी क्या करेंगे, हमें मालूम है बी कितना है 10 एम एम अबव एक्स वाला है, तो यहाँ से 10 ऊपर लेंगे, यहाँ मार्क करेंगे बी, टेक बी टू ए कंपस में दो और यहाँ से इधर कट कर दो, तो आपको मिलेगा ए, तो ये हो गया लोकस ऑफ बी, यहां से ट्रू लेंथ कट कर दो, ये हो गया 5। तो इस प्रकार से हमने ये सम सॉल्व किए, आशा करता हूं कि आपको ये सम समझ में आया होगा। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।